समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आज अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस उत्तर प्रदेश की सरकार को नैतिक स्तर पर आज इस्तीफा दे देना चाहिए, और इसलिए इस्तीफा दे देना चाहिए, इस चुनाव के जो परिणाम आए हैं तो अखिलेश यादव वाली गठबंधन ने पूरी तरह से सरकार आज अगर चुनाव हो जाए तो पूरी तरह से आज सरकार बना लेगी अखिलेश यादव के नेतृत्व में। अच्छा, जिस तरह से अयोध्या वाले जो परिणाम आए हैं, किस तरह से आप देखते हैं उसका बड़ा शोर है मार्केट में कि गठबंधन ने इस बार अयोध्या में भी जीत दर्ज की है? देखिए, अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान थे और रहेंगे हमेशा, और देखिए वहाँ पर जो चुनाव जीते हैं वो सेकुलर थे और हैं, तो वहाँ की जनता ने असली सेकुलर को जिताया है, और असली मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का सेवक तो जीता है, और वहीं पर वो ही नहीं पूरे फैजाबाद मंडल में अखिलेश यादव के नेतृत्व वाले दल ने भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर दिया है। अच्छा, जिस तरह से मायावती का गठबंधन नहीं हुआ पिछली बार, इस चुनाव में आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि मायावती अभी ये भी कह रही है कि अब अल्पसंख्यकों को टिकट देने में भी विचार किया जाएगा? अब देखिए, उन्होंने बीच बीच में जो टिकट बदले हैं उससे देखिए पूरे समाज ने समझ लिया था कि ये भारतीय जनता पार्टी से मिली हैं, और क्या उन्होंने जो कहा है तो मुफ्त में थोड़े ये टिकट दिया था। अच्छा, जिस तरह से सैफई में आज 5 सांसद हुए हैं एक ही परिवार के साथ, अखिलेश यादव ने भी बड़ी जीत की है, डिंपल यादव भी जीत के गई हैं, तो अब उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष का पद भी खाली है, किस तरह से देखते हैं आप समाजवादी पार्टी, चूंकि आप भी लीड प्रॉपर करते रहे तो किस तरह से उसको आप देखते हैं? ये तो नेतृत्व का है, नेतृत्व जो फैसला लेना है तो नेतृत्व फैसला लेगा, इस पर कौन सी पड़ी। अखिलेश यादव सेंट्रल की राजनीति करेंगे तो स्टेट को किस तरह से देखेंगे, क्योंकि अब बागडोर आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए? देखिए, वो तो नेतृत्व जो फैसला लेगा, और मैंने कहा कि आज अगर चुनाव हो जाए उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव वाली नेतृत्व वाली फिर से सरकार बना लेगी, और नहीं तो जो उत्तर प्रदेश में आज जो परिणाम आए हैं उनको देख लिया जाए, स्पष्ट विधायक कितने जीते हैं, तो इसलिए नैतिक आज इतने विधानसभा बार अगर देख लिया जाए तो इतने विधायक जीते हैं, स्पष्ट सरकार बना ली। भगवान राम पर ही पूरा चुनाव बीजेपी लड़ रही थी और भगवान राम ने ही नकार दिया, ये माना जाए, क्योंकि अयोध्या से वो हार गए? देखिए, मैंने कहा कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान थे और रहेंगे, तो देखिए वहाँ पर जो भी चुनाव हुआ है तो वहाँ के जनता ने इतना वोट दिया है, तो अयोध्या भी असली जनता का सेवक, भगवान का सेवक जीता है। एक बड़े किंग मेकर की भूमिका में समाजवादी पार्टी उभरी है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस तरीके से अखिलेश यादव वाली नेतृत्व वाले दल को जिताया है, पार्टी को जिताया है, तो आज चुनाव जो अगर हो जाए तो फिर सरकार उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव वाली नेतृत्व वाली सरकार बना लो। और नेताजी हम लोगों के बीच में नहीं है, कितनी कमी खल रही है? अब नेताजी का आशीर्वाद तो है ही,
आचार विचार आदर्शों पर तो सब लोग चल ही रहे, तो नेताजी के आशीर्वाद से तो जीत हुई है।